पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर की गई है पूर्व प्रधान की हत्या। ऑफिस से घर लौटते वक्त दिया गया है घटना को अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। 2 महीने पहले भी हुआ था जानलेवा हमला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लगातार बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पूर्व प्रधान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर की गई है पूर्व प्रधान की हत्या। ऑफिस से घर लौटते वक्त दिया गया है घटना को अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। और लखनऊ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी हमसे जुड़ चुके हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की हत्या कर दी जाती है और इससे पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बता दें कि कल रात का मामला है ये कल अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहे थे जी। तो हमलावरों ने इनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई और इनको ताबड़तोड़ इनके ऊपर फायरिंग करी, जिससे वहां पे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 राउंड इनके ऊपर फायरिंग की गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहले भी इनके ऊपर 2 महीने पहले भी हमला हुआ था। इनको पुलिस ने इन्होंने जानकारी भी दे दी थी, लेकिन उनकी उसके बाद भी कोई इनकी सुरक्षा नहीं की गई। और कई बार ये पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं इनके घर वाले कि ऐसा हम लोग पहले भी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन हमारे जो बच्चे की हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस की लापरवाही पर। जी भरत, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बदमाश के आगे पुलिस प्रशासन नतमस्तक है, क्योंकि और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए अभी पुलिस की जांच में जुटी हुई है, कोई भी ऐसी मीडिया के सामने बयान नहीं दे रही है। और घर वालों का आरोप है कहीं ना कहीं ये लापरवाही है पुलिस की, जो हमारे बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। जी भरत, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कई राउंड फायरिंग के साथ पूर्व प्रधान की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 माह पूर्व प्रधान पर हमला हुआ था। घर वालों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीतापुर से आपको